आज INTUC के तरफ से एक बृहत प्रतिभटना रैली हम जो है ना यहाँ से चालू किए रहे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से लेके हम लेबर कमिश्नर डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस तक हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा ये है जो कार्मिक इलाके में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं तो उसको कंडम करते हुए भी हम जो है ना आज का ये प्रोसेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन हो रहा क्या है, वहाँ रियली जो वर्कर है, जो लेबर कार्ड वाले हैं, उनको जो सहूलत मिल रहा है उनको सऊद तरीके से सहूलत नहीं मिल रहा है। वो हो रहा है क्या बोले तो वहाँ के मीडिएटर तरीके से एक एजेंट होके घुस के जो पैसा देता है उनके काम बन रहा है। जो रियल वर्कर है, जो अप्लीकेशन डाले तो उनका 4 महीना 5 महीना 1 साल हो गया तो काम नहीं होता है। अगर वही जो है ना एजेंट जो क्या पैसा लेके उन्हें घुस गए ना, 1 दिन में काम होता है। तो इसको कंडम करते हुए हम ये बोल रहे हैं जो रियल है वर्कर को जो है फैसिलिटी मिलना चाहिए। लेकिन ये ऑफिसर, ये DO, ये लोग जो क्या है, ये ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ये लोग खाली पैसा खाने के लिए वहाँ बैठे हैं, उनका एजेंट के जरिए से पैसा खाने के लिए बैठा है। तो इसकी वो ये कंडम करते हैं। हम लोग जो है ना इससे पहले भी जो है ना ये किया है, अप्लीकेशन दिया है, बहुत सारे प्रोटेस्टन किया है। तो लेबर कमिश्नर को, लेबर मिनिस्टर को भी हम मिले हैं, लेबर सेक्रेटरी को मिल के आया। उसके बाद क्या हो गया, 2 आदमी को उन्होंने काम से निकाल दिया था। निकाल के क्या हो गया, वो जैसा ही निकाल दिया 4-5 दिन फिर वो लोग कुछ इंक्वायरी नहीं किया, इंक्वायरी नहीं किया उसके ऊपर कौन सा भी जो है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो निकाले क्यों है। अगर निकलने के बाद फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, इंक्वायरी होने के बाद अगर उसके ऊपर चार्जेस नहीं है बल्कि साबित होना चाहिए, साबित होने के बाद उन्हें काम पे ज्वाइन होना चाहिए। लेकिन वो साहब छोड़ के फिर से काम जो उनको काम पे लिया है वो बहुत बहुत खंडनीय है। इसके लिए हम जो है ना आज के दिन ये काम जो कर रहे हैं, जो ऊपर का अधिकारी जो भी है उनके खिलाफ भी हमारा आवाज़ है। इसके लिए हम आवाज़ आज जो है ना कार्मिक लोगों का सपोर्ट में और अधिकारी लोगों का खिलाफ में आज हमारा यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल लेके हमारा कार्मिक इलाके जो अधिकारी है उनका ऑफिस तक हम चल रहे हैं, वहाँ पर हम धरना पड़ रहे हैं। मैं अशोक गुड़ी INTUC ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು INTUC ಜಿಂದಾಬಾದ್ INTUC ಸೆ ಮೈ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೂ ಯಹಾ ಪೆ ಜೋ ಹುವಾ ಹೈ ಹಮ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೆ ಯೆ ಜೋ ಕರಪ್ಷನ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಇನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ये जो इनको आदत पड़ी है भाजपा सरकार में रिश्वत लेने की, ये हमारे कांग्रेस पार्टी में ये नहीं चलेगा। आप हमारे सरकार में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो आने वाले दिनों में ये लोग 1 दिन में उसको सस्पेंड करने के बाद बहाल करते हैं, ये सरासर अन्याय है। इसके विरुद्ध में हम आवाज़ उठाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में इसको पूरे कर्नाटक में हम आंदोलन की शक्ल में इसको हम ये करेंगे। तो मैं इसको कंडम करता हूँ और हमारे स्ट्राइक को हम जारी रखते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का हम मेरा ये लेने से। आज कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट से हम INTUC के अदर तरफ से हम लोग आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका इतना ही ये है कि ये जो भ्रष्टाचार किए हुए DO लोग हैं, जो ऑफिसर है कार्मिक इलाके का, उनको सस्पेंड किया गया था और फिर वो लोग अपने इससे अपना ताकत यूज़ करके और वो लोग फिर से वहीं पे ये अधिकार स्वीकार किया है वो लोगों ने। तो इसके विरुद्ध में हम लोग जो ऑलरेडी हमने ये इसका जो ये रहता है कार्मिक इलाके मंत्रीगण को कूड़ा इसको हमने कंप्लेंट किया था, तभी वो सस्पेंड हो गए थे। फिर और उनको वही जगह पे फिर लाके फिर उनको अधिकार दिया गया है। वो लोगों को जल्दी से जल्दी उनको वजह करना बोल के हम लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं। इतना ही। और मैं दक्षिण वाले अध्यक्ष INTUC संजय कुमार बरदाल। कलबुर्गी कार्मिक इलाखेयल्ली इवत्तेनु कट्टड कार्मिकरिगे सिगबेकादंत सौलभ्यगळु, इवत्तु मक्कळिगे कालर्शिप, हेरिगे मत्ते मदुवे सनद सहायधन,
अनेक रीतिया सहायधन इवत्तु सुमारु 16,000 जन कट्टड कार्मिकरु अर्जी हाकिदारे। इवत्तु अर्जी हाकिदंत कार्मिकरिगे सकालदल्ली अवरिगे सौलभ्यगळु योजनेगळु हण बिडुगडे आगबेकु। आदरे कलबुर्गि कार्मिक इलाखेयल्लि इवत्तु डिओगळु मत्तु कार्मिक लेबर इन्स्पेक्टर्गळु इवत्तु व्यवहार माड्कोंडु यारु दुड्डु कोड्तारे दुड्डु कोट्टवरु फैल अन्नद अप्रूव माड्तारे हण मंजूर माड्तारे। इवत्तु अमायक नै निजवादंत कट्टड कार्मिकरु दुड्डु कोडदे इद्दरे अवर फैल अन्न रिजेक्ट माड्तारे ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ಅಮಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ದಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು। ಇವತ್ತು ಆ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲಾಖೆ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಆಗಿದೆ। ಆ ತನಿಖೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಒಗಳು ಟರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕತ್ತರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಡಿಒಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂತ ಭ್ರಷ್ಟನ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧರಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಮಿಕ